वैसे आप लोगों को पता नहीं है कि ये दिशा निर्देश हमने बहुत पहले दे दिया है हर डिपार्टमेंट को कि आप सारे एमएलए को, सारे एमएलसी को, एमपी को, मेरे लोकसभा और राज्यसभा, इन सब लोगों को इस तरह के किसी कार्यक्रम में आप उनको भी सूचना दीजिए और उनको भी आमंत्रित करिए, और जब कुछ होता है तो उनका भी जो लिखते हैं तो जो उपस्थित होना चाहे उनका नाम लिख दीजिए सिलापट पर। ये सब मेरा किया हुआ है बहुत पहले का, लेकिन अभी हमसे पूछ रहे हैं भाई। तो सब लोग तो जो जो बोल रहे थे, अभी तीन लोग बोले हैं, तो एक तो बहुत पहले मंत्री थे। अरे बैठिए ना, बट कर लीजिए। अरे जब हम एमएलए थे मेरे बगले में रहते थे, आप मंत्री हुए, राज्य मंत्री हुए, उसी समय की बात है, ये 86 की बात है, तब ये थे, ये बाद में हुए हैं। जब लोकसभा के नहीं हो रहे थे तो हमने कहा कि मिनिस्टर इनको बनाइए भाई कम से कम। तो कब की बात है, 90s की बात है। तो सुनिए ना, बैठिए ना, अरे हम ऐसे ही आपको याद करा दे रहे हैं, याद करा दे रहे हैं। तो जब आप लोग जब थे तब उस समय कोई व्यवस्था थी और उस समय अभी उसकी अवहेलना हो रही है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने तो बता दिया कि हमने ये डायरेक्शन दिया हुआ है। और आप कहिएगा तो मेरे ऑफिस से पूछ लेगा, कोई भी डिपार्टमेंट कहेगा कि आप शिलान्यास का उद्घाटन कीजिए तो शिलान्यास के बारे में आपको बता देते हैं। शिलान्यास के बारे में हम तभी तैयार होते हैं जब सचमुच उसके बारे में टेंडर वगैरह करके फाइनल स्टेज में है। ये पहले कभी हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा है कि हमसे किसी का शिलान्यास करवाया और उसका टेंडर वगैरह फाइनलाइज नहीं हुआ और वो काम शुरू नहीं हुआ तो कृपा करके ये जरूर सूचना दीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत साफ साफ गाइडलाइन दे दिया कि हमसे वही शिलान्यास कराइए जिस पर कि कार्यारंभ होने वाला, ऐसा नहीं कि बिला वजह का शिलान्यास करवाइए। ये सब मेरा गाइडलाइन है, हमारा गाइडलाइन है। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, निश्चित रूप से उस जगह की सूचना दीजिएगा। अगर हमसे शिलान्यास करवाया है और उसका ये काम पहले से नहीं किया है, निश्चित रूप से उस डिपार्टमेंट से ये पूछताछ होगी, और ऐसा कभी गलती नहीं होनी चाहिए। ये बात तो हमारा है, लेकिन पहले का कुछ और नियम है और आजकल उसका पालन नहीं हो रहा तो उसके बारे में जरूर बता दीजिएगा, ताकि उसके बारे में पूरे तौर पर हो। अभी जो पूछ रहे थे सबसे पहले, सबसे लंबा भाषण बोल रहे थे, तो सबसे लंबा भाषण बोल रहे थे, खुदे मंत्री थे तो कितना दिन ही मंत्री रहे, तो सब तरह से काम इनको हुआ है। अगर आपके टाइम में कोई काम मंत्री आपके रूप में कर रहे थे, अब आजकल कोई मंत्री से चूक हो रही है तो जरूर बताइएगा, ताकि उसके बारे में भी पूरी जानकारी ले लें। समझ गए ना? महोदय सदस्य अमरजीत कुशवाहा अपनी सूचना को पढ़े। नहीं, अब टाइम नहीं है, समय नहीं है। अमरजीत कुशवाहा जी,